हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विलेज कढ़ाई चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। तो ना ये मावा का रहेगा ना सूजी का, आज मैं गेहूँ के आटे की गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनने वाला है। तो चलिए हम आपको सामग्री दिखा देते हैं, हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ये हमने चीनी लिया हुआ है, 1 केजी के लगभग ये चीनी है। और ये हमने इलायची के छिलके लिए हुए हैं, और इलायची के जो बीज हैं उसके हमने पाउडर बना लिया है। और ये हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है, इसको चाल कर हमने अच्छे से ले लिया है चलनी से। और ये हमने बादाम लिया हुआ है, इसे बारीक काट लिया है। और ये हमने मीठा रामदाना लिया हुआ है, और ये मिल्क पाउडर ले रखा है हमने। और ये हमने 1 गिलास में, छोटे गिलास में दूध ले रखा है। और ये 2 चम्मच बड़े हमने देसी घी ले रखे हैं। तो चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी है और आग भी जला लिया है हमने। अब हम इसमें डालते हैं देसी घी और इसे गर्म कर लेते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं आटा और इसे हम चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। धीमी धीमी आंच पर हमें इसे बिल्कुल भूनना है। जो देसी घी है उसे हम बहुत ही अच्छे से गेहूँ के आटे में मिलाएँगे और धीरे धीरे इसे मेल्ट करते हुए भूनेंगे। हमें गेहूं के आटे को तब तक भूनना है जब तक बहुत ही अच्छे से इसमें खुशबू ना आने लगे। जैसे हम पंचूरन तैयार करते हैं ना, उसी तरह हमें इसे भूनना है। बस इसको धीमी आंच पर आप चलाते हुए अच्छे से भूनते रहिए। तो इसे हमें चलाते रहना है इसलिए क्योंकि नीचे आटा बहुत ही जल्दी लगने लगता है और जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही अच्छे नहीं बनेंगे फिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ गेहूं के आटे को हमने बहुत ही अच्छे से भुना है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसे एक थाली में हम निकाल लेते हैं। और हम गेहूं के आटे को अच्छे से फैला देते हैं क्योंकि इसे हमें ठंडा करना है बिल्कुल। जब तक हमारा गेहूं का आटा ठंडा होता है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो हमने चूल्हे पर पतीला रख दिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। और जितना हमने चीनी डाला है उतना ही हम इसे पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम पलटे से चीनी और पानी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची के छिलके और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। और चाशनी को चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे इसे। तो ये देखिए चाशनी में उबाल बहुत ही अच्छे से आने लगा है। तो चाशनी में बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है तो इसमें हम डाल देते हैं केसर के धागे। केसर के धागों को मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये मेरे पास है तो मैंने डाल दिया। यदि आपके पास है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। गेहूं का आटा ठंडा हो चुका है तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं जिसमें हम आटा गूंथते हैं, उसी में हम इसे डाल लेते हैं। और ये हमने मिल्क पाउडर लिया हुआ है वो इसमें डाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से आटे में मिला लेंगे। मिल्क पाउडर आप इसमें ज़रूर डाल लें, इसी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर और उसे भी बहुत ही अच्छे से इसमें मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे गूंथ लेंगे, बहुत ही थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। हमें इस तरह का इसे बनाकर तैयार करना है, जिस तरह से रोटी आप बनाते हैं नॉर्मल उतना ही इसे गूंथ कर तैयार करना है। तो ये देखिए हमने इसे गूंथ कर तैयार कर लिया है, इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम आपको चाशनी दिखा देते हैं। ये देखिए चाशनी बहुत ही गाढ़ी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी है। इसी तरह का हमें इसमें गाढ़ा मिक्सर तैयार करके रखना है चाशनी का। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे और गोल गोल लोई की तरह इसे बना लेंगे। थोड़ा सा हाथों में घी लगा लें आप तो इसे बनाएंगे तो बिल्कुल चिकना चिकना बनकर तैयार होगा। गोल गोल थोड़ा सा इसका शेप बना लें तो इसमें एक रामदाना लें और इसके बीच में उंगलियों से थोड़ा सा इसे दबा दें और फिर इसे गोल गोल सा आप इसे गुलाब जामुन की तरह बना लें। तो ये देखिए हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें और इसे इस तरह से बना कर रख लें। इसी तरह हम दूसरा बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा गोल गोल बना लें, फिर इसके अंदर एक रामदाना डाल लें
और फिर इसे दबाकर अच्छे से गोल गोल शेप बना दें। तो आप देख सकते हैं इसी तरह हम इसका सारा गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ फिर से। तो कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी है, इसमें हम डालते हैं रिफाइंड ऑयल। आपके पास यदि घी है तो घी डाल सकते हैं इसमें। जब तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे गुलाब जामुन। बिल्कुल हल्का तेल गर्म रहे तभी हम इसमें डालें और धीमी धीमी आंच पर इसे पकने दें। धीमी आंच पर पकाते हुए हम इसे इसके ऊपर तेल हल्का सा डालते हुए इसे पलटते रहेंगे। ये देखिए हल्का सा नीचे से जैसे ही आपका हो जाए इसे आप चला दें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे धीमी धीमी आंच पर ही पकाया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होने लगा है, बहुत ही अच्छा कलर आने लगा है इसका गुलाब जामुन का। और मैं बता रही हूँ आपको बहुत ही टेस्टी भी है ये। तो ये देखिए हमारे ये गुलाब जामुन हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसे गर्मा गर्म चाशनी में डालेंगे। तो गुलाब जामुन डालने के बाद हम इसे पलटे की सहायता से थोड़ा सा उसमें चाशनी में डुबा देंगे। और गुलाब जामुन को ढककर रख देंगे। तो इसी तरह हम दोबारा भी गुलाब जामुन निकाल लेते हैं तलकर। तो ये देखिए इसे भी हम उसी तरह से चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हम इसे पकाते हुए चलाते रहेंगे। तो ये देखिए ये वाले गुलाब जामुन भी हमारे तैयार हो चुके हैं, इसे भी हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में गुलाब जामुन डालने के बाद इसे चम्मच से आप चाशनी में ज़रूर डुबाएं ताकि जो गुलाब जामुन है वो चाशनी बहुत ही अच्छे से पी ले। बस हमें इसे चाशनी में गरम गरम चाशनी में इसे डालना है और इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए गुलाब जामुन हमारे फूल कर तैयार हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी फूले फूले से गुलाब जामुन हो चुके हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं ये। तो ये देखिए गुलाब जामुन हमने सारे प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हमने जो बादाम काट कर रखे हुए थे ना इस पे रख देते हैं, थोड़ा सजा देते हैं इसे। तो यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।